के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी सम्मान समारोह में मंगलौर पहुंचे, जहां पर भाजपा पदाधिकारी ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों से संवाद किया और सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं से प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपए से किए जाने वाले विकास कार्यों की घोषणा भी की। सीएम धामी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। आज भारत भी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, कोरोना महामारी आ गई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल तो फसल था। भाई बहनों, अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। चाहे हम आज गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, चाहे आज हम जो है इज्जत घर बनाने की बात करें, या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों, लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थियों के बीच में हम आए तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है।